नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जैसे ही नतीजे सामने आए उसके बाद मुकेश सहनी का भविष्य क्या होगा इसके आकलन का दौर तेज हो गया है, क्योंकि 53 सीटों पर कैंडिडेट उतार कर बीजेपी को चुनौती देने वाले मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल नहीं कर पाए। मुकेश सहनी का यूपी में खाता भी नहीं खुल पाया, जिसके बाद बिहार में उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा वो सवालों के घेरे में आ गया। मतलब साफ है कि मुकेश सहनी के लिए स्थिति हो गई है न माया मिली न राम, मतलब न उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर पाए और न ही बिहार में अब सियासी भविष्य बीजेपी के साथ सही होने वाला है। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने मुकेश सहनी के इस्तीफे की डिमांड शुरू कर दी है, साथ ही ये भी दावा करना शुरू कर दिया है कि मुकेश सहनी के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं है। क्या कहा बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, ये सुनिए और साथ ही ये भी देखिए कि बीजेपी सांसद अजय निषाद क्या कह रहे हैं। क्यों सो लगता नहीं है, बड़े नेता बनने गए थे उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारा मदन सहनी है, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएलसी बनाएंगे उनको दोबारा आप लोग? अब तो समय का बात है, अब तो हो गया, उनका इतिहास खत्म है। हमारे पास मदन सहनी है, हमारे पास अर्जुन सहनी है, हमारे पास अजय सहनी है, बड़े बड़े सहनी के नेता। चैप्टर क्लोज। बिहार एनडीए से भी अब मुकेश सहनी खारिज होंगे? एकदम खारिज होंगे, हम तो लगातार उनको बता रहे थे। राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए। राजनीति में अगर व्यवसाय आप करेंगे तो कहीं भी मुकेबल के। लोकसभा क्षेत्र की सीधी बात करें तो बोचहां विधानसभा क्षेत्र वीआईपी के कोटे में था, एनडीए में था। मुकेश सहनी लगातार वहां से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की दावा कर रहे हैं, ऐसे में कितना फैक्टर होगा, क्या बीजेपी का प्रत्याशी माना जाए? मुझे ये लगता है कि उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ समाप्त हो चुका है। निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। मेरा दावा आज भी है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो मतलब साफ है कि मुकेश सहनी का एमएलसी वाला कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है और उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन देने के मूड में बीजेपी नहीं है। साथ ही बोचहा सीट जो वीआईपी के खाते में थी, जहां से वीआईपी के मुसाफिर पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किए थे, वो सीट पर भी अब बीजेपी की नजर है। मतलब यहां पर इस बार जो उपचुनाव होगा बोचहा सीट पर मुसाफिर पासवान के निधन के बाद, वहां से बीजेपी खुद अपना कैंडिडेट देगी, वीआईपी को वहां से एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर नहीं लड़ने देगी। मतलब साफ है कि मुकेश सहनी की स्थिति बिहार में अब यूपी चुनाव के नतीजों के बाद बेहद खराब होने वाली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा करने वाले मुकेश सहनी 100 के आसपास कैंडिडेट देते हैं और उनमें से आधे कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो जाता है और फिर सिर्फ वो 53 कैंडिडेट उनके चुनावी मैदान में कूदते हैं, जिनमें से एक भी कैंडिडेट कोई प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो पाता। और यूपी चुनाव की गहमा गहमी के बीच मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्ते लगातार खराब होते चले जाते हैं और ऐसे में उम्मीद यही है कि धीरे धीरे बीजेपी मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर देगी, क्योंकि मुकेश सहनी के जो बिहार वाले विधायक हैं वो सारे बीजेपी बैकग्राउंड के हैं और उनकी आस्था वीआईपी मुकेश सहनी से ज्यादा बीजेपी से है। तो चलिए, क्या होगा मुकेश सहनी का ये बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद बना हुआ है, जिसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता मणिभूषण के साथ ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट फाइल की गई थी, जो आप देख रहे थे। बिहार की खबरों के लिए अब देखते रहिए बिहार तक।